बड़ी मुसीबत में फंसे सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा के प्रोड्यूसर असित मोदी। मिसेस सोढ़ी ने लगाए असित मोदी पर यौन शोषण के गंभीर आरोप। जेनिफर मिस्त्री ने छोड़ा शो, दो अन्य लोगों पर भी लगाया परेशान करने का इल्जाम। लगता है कि बीते 15 साल से दर्शकों को लाफ्टर डोज बांटने वाले सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा के प्रोड्यूसर असित मोदी के सितारे इन दिनों गर्दिश में हैं। एक तरफ तो शो के पुराने तारक मेहता यानी कि एक्टर शैलेश लोढ़ा ने असित मोदी के खिलाफ मोर्चा खोला, और अब इसी बीच प्रोड्यूसर असित मोदी पर लगा है यौन शोषण का इल्जाम। उससे भी ज्यादा शॉकिंग बात तो ये है कि असित मोदी पर यह गंभीर इल्जाम किसी और ने नहीं बल्कि शो में मिसेज रोशन सिंह सोढ़ी का रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस जेनिफर मिस्त्री बंसीवाल ने लगाए हैं। बीते दो महीने से जेनिफर इस शो की शूटिंग भी नहीं कर रही। सिर्फ असित मोदी नहीं बल्कि शो के दो अन्य क्रू मेंबर्स प्रोजेक्ट हेड सोहेल रमानी और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जतिन बजाज के खिलाफ भी जेनिफर ने सेक्सुअल हैरेसमेंट की शिकायत दर्ज करवाई। आपको बता दें बीते 15 साल से जेनिफर इस सुपरहिट शो का हिस्सा रही, लेकिन दो महीने पहले यानी कि 7 मार्च को जेनिफर के साथ सेट पर हुआ कुछ ऐसा जिसके बाद अब एक्ट्रेस ने अपने शो के प्रोड्यूसर असित मोदी, प्रोजेक्ट हेड सोहेल रमानी और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जतिन बजाज के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जेनिफर ने असित मोदी समेत इन दोनों पर यौन शोषण का आरोप लगाया। सोहेल जतिन पर उन्होंने बेइज्जत करने का भी इल्जाम लगाया। अपने एक इंटरव्यू में जेनिफर ने अपने साथ हुई इस पूरी घटना का खुलासा किया। सोहेल और जतिन के बारे में बात करते हुए जेनिफर ने बताया 7 मार्च को सोहेल और जतिन के साथ उनका झगड़ा हुआ था जब एक्ट्रेस ने होली और अपनी मैरिज एनिवर्सरी के मौके पर शो से हाफ डे में घर जाने की परमिशन मांगी। जेनिफर के मुताबिक सोहेल और जतिन ने जेनिफर को जाने नहीं दिया। जेनिफर का आरोप है कि शो के सेट पर उनका अक्सर ही मानसिक और शारीरिक शोषण किया जाता था। जेनिफर का कहना है कि सेट पर हर किसी के साथ बंधुआ मजदूर की तरह बर्ताव किया जाता है। वहीं अपने प्रोड्यूसर असित मोदी पर लगा यौन शोषण के बारे में बात करते हुए जेनिफर ने कई सनसनीखेज खुलासे किए। जेनिफर ने कहा, ऐसी कई घटनाएं हुई है जब उसने मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की और कई बार शारीरिक संबंध बनाए हैं। शुरू में मैंने काम खोने के डर से सभी बयानों को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन अब बहुत हो गया है, मैं इसे अब और नहीं सहूंगी। वहीं इस पूरे मामले पर प्रोड्यूसर असित मोदी का बयान भी सामने आया। असित मोदी ने जेनिफर के सारे इल्जामों को सिरे से नकार दिया। प्रोड्यूसर असित मोदी ने कहा, हम इस मामले में कानून की मदद लेंगे क्योंकि वो हमें और हमारे शो दोनों को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। हमने उन्हें शो से बाहर का दरवाजा दिखा दिया है तो वो हमारे ऊपर आधारहीन और झूठे आरोप लगा रही हैं। साथ ही असित मोदी ने जेनिफर के शो के सेट पर लेट आने, प्रोडक्शन टीम से बदतमीजी करने और गाली गलौज करने के भी आरोप लगाए। अब देखना होगा कि ये मामला आगे क्या मोड़ लेता है। फिलहाल तो जेनिफर के लगाए आरोपों से प्रोड्यूसर असित मोदी बुरी तरह से विवादों में फंस गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट E24।